जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। कल हमारे टाइम कम था इसलिए कल के करंट अफेयर्स कम थे। आज देखिए पहले वन लाइनर रिविजन पे जाते हैं, ठीक है। हम सबको पता है न्यू प्रेसिडेंट बने हैं कौन? पुतिन। पुतिन रशिया के न्यू प्रेसिडेंट बने। रशिया जो है आधा एशिया में आता है, आधा यूरोप में आता है। सर, आधा रशिया एशिया में आता, आधा यूरोप में आता है, ठीक है। रशिया में पुतिन ने व्लादिमीर पुतिन जो है, इन्होंने मिशुस्तिन को रीअपॉइंट किया है एज ए रशियन प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा, ये भी रीअपॉइंट हुए हैं और एज ए रशियन प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये मिशुस्तिन। ये भी क्वेश्चन अभी हम वन मंथ से करंट अफेयर्स में कुछ चेंजिंग्स देखते हैं। बहुत सारे कंट्रीज के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट बन रहे हैं। तो जिसका करंट एग्जाम होगा, जिसे आरआईएनसी है, उनमें से आपको एक क्वेश्चन ये देगा। और सीएचएसएल में 100% रहने वाला है। सीएचएसएल अभी आने वाले हैं, उसमें 100% रहने वाला एक क्वेश्चन है। जितने भी आते हैं आप इनके नोट्स ही देखिए, जितने भी न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, चाहे वो पनामा के हैं, चाहे वो जिस भी कंट्रीज के बने हैं, उनको लिखना है। अब रशिया जो है, रशिया एशिया में कहाँ आता है? ईस्ट एशिया, नॉर्थ में ही, वो भारत नॉर्थ के ऊपर, ठीक है, ईस्ट एशिया में। ये ईस्ट एशिया में आता है, जैसे इंडिया साउथ एशिया में आता है, उसी तरह रशिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सारी कंट्रीज कहाँ आती है? ईस्ट एशिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रशिया की याद रखिये चेस नेशनल गेम है। मॉस्को जो है रशिया की कैपिटल है और करेंसी इज रूबे। करेंसी क्या है? रूबे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, शी द फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो फर्स्ट डीएसपी बनी है मेघालय की, कहाँ की? मेघालय की। अब देखिए एक मिनट, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन देखिए। मॉस्को जो है आर द बैंक ऑफ विच रिवर? मॉस्कोवा, ठीक है। यहाँ पे जो नदी बहती है डेट इज मॉस्कोवा, चेक कर लो, ठीक है। अब लंदन, लंदन में जो नदी बहती है डेट इज थेम रिवर। एंड न्यूयॉर्क जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुडसन रिवर। न्यूयॉर्क में कौन सी है? हुडसन। इजिप्ट में नाइल। ब्राजील में एमेजोन। इंडिया में तो बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, बट लॉन्गेस्ट रिवर जो इंडिया की है गंगा। ये जो शहर है, ये मॉस्को, मस्कोवा रिवर यहां बहती है, ठीक है। ब्रह्मोस, यहां पे एक और क्वेश्चन ऐड करो। ब्रह्मोस जो है लार्जेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है भारत की, ठीक है। इस लार्जेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल को ब्रह्मोस नाम क्यों दिया गया है? आर्य नाम मुझे बताओगे? युवराज, ये एनडीए के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट नाम दिया गया, ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मा और मॉस्को रशिया की रिवर के साथ मिला के एक नाम दिया गया ब्रह्मोस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भारत के भगवान का नाम है या ब्रह्मा ब्रह्मदेव के नाम पे, नहीं है, ठीक है। ब्रह्मा जो है डेडिकेट ब्रह्मपुत्रा नदी को होता है, और मॉस जो है वो मॉस्कोवा रिवर जो रशिया की है उसके नाम पे रखा गया। अब यहां से एक और करंट अफेयर करते हैं। पहला देश भारत का कौन सा बना है जिसको भारत ने ब्रह्मोस शेयर की है? फिलीपींस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए। नेक्स्ट ईयर भी एनडीए में आ सकता है, इस साल भी, सीडीएस में भी, एफकेट में भी, अग्निवीर में भी। मैं आपको साथ साथ में बताती हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ब्रह्मोस जो है ये भारत और रशिया ने मिलकर बनाया था, और पहली कंट्री जिसने बाय किया है ब्रह्मोस फ्रॉम इंडिया, फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल इज, मैंने आपको कल भी मजाक से बोला, जकार्ता, डेट इज जकार्ता, ठीक है। कि इन बच्चों को ट्रिक हमेशा याद रखते हैं, जब मैं कुछ ऐसे हंसी वाला बोलती हूँ तो वो हमेशा याद रहता है कि मैम ने ये बोलता है, इसका यही आंसर है, और ये हमेशा याद रहेंगे आप एग्जाम देने जाओगे तो। याद, मॉस्को, लंदन की गंगा थेम नदी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? थेम नदी, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क हुडसन नदी के किनारे है,
इजिप्ट में नाइल। प्रतिभा कौन सी नदी है जहां आंटी को बोल पानी थोड़ा गर्म, ठीक है, कौन सी नदी है कि कौन सी नदी है, अब इससे भी क्वेश्चन कर लो, कौन सी नदी इक्वेटर को दो बार पास करती है, ठीक है, ये भी अफ्रीकन नदी है, डेट इज कांगो रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, कांगो रिवर जो है ये पास करती इक्वेटर को दो बार, इक्वेटर से दो बार गुजरती है ये नदी, डेट इज कांगो, और कांगो को जायरो रिवर भी कहते हैं। इजिप्ट की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी नाइल है। आपको विकिपीडिया में कल आपको बता रहा, गूगल में बहुत सारे क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, कल मैंने आपको बता रहा कितने सारे, वहां पे अगर आप डालोगे ना डू आर डाई, ये स्लोगन किसने दिया है, वहां पे कल मैंने आपको बताया यूसुफ किसी मला, वो उसने नहीं दिया भाई, गूगल गोइंग टू चेंज, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे करप्शन आ रही है, करप्ट हो रहा है सिस्टम, ठीक है। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में जो स्लोगन दिया ना डू आर डाई, आप गूगल चेक कर लो उसका आंसर देखना, जय हिंद स्लोगन चेक करोगे तो उसका आंसर देखना, सब में चेंजिंग्स हो रही हैं, शायद ये एचआरडी मिनिस्ट्री ने देख रहा भारत का, क्या ये बड़े सारे चेंजिंग्स आ रही है, हाँ इंडोनेशिया की जकार्ता है, ये मनीला है, क्या है, मनीला, मनीला चेंज कर लो, ठीक है, मनीला इसकी मनी, और इस, यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ठीक हो गया। ब्राजील में एमेजोन, इंडिया में गंगा, ब्रह्मोस जो है ये फिलीपींस को बाय किया है, कांगो को जायरो भी कहते हैं, ये सारी नदियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से आती है, ठीक है। मेसोपोटामिया जो थी ना वो इराक फर्स्ट सिविलाइजेशन थी दुनिया की, और वो इराक की सिविलाइजेशन को कहा जाता है, टिग्रिस और यूफ्रेट नदी के किनारे थी, कौन सी, टिग्रिस और यूफ्रेट नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आता है मेघालय, मेघालय भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, और इसकी कैपिटल शिलोंग है, क्या है, शीज, जिसको नहीं याद होती शीज लॉन्ग इन मेघालय, ठीक है, शिलोंग, और इसकी हाईएस्ट पीक भी शिलोंग है, ठीक है, मेघालय की हाईएस्ट पीक भी शिलोंग है। मेघालय की ट्राइबल जो कम्युनिटी है गारो जनतिया एंड खासी, ठीक है, खारो जनतिया एंड हाँ हिल्स भी हैं, ट्राइब गारो जनतिया हिल्स है खासी, ठीक है, गारो जनतिया एंड खासी आर द ट्राइबल्स फ्रॉम मेघालय, ठीक है। ये फर्स्ट आईपीएस, ये फर्स्ट डीजीपी अपॉइंट हुई है मेघालय में, इदा शिशा नॉनग्रेंग, क्या नाम है, इदा शिशा नॉनग्रेंग, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट इन इंडिया, और इस तरह के फर्स्ट वाले क्वेश्चन एनडीए सीडीएस में भी पूछे जाते हैं, जो फर्स्ट इन इंडिया फीमेल होती है ना वो एफकैट वाले एग्जाम में, अगर एनडीए सीडीएस वाले एग्जाम आप उठा के देखो तो उसमें आते ही आते हैं, ठीक है। सीएचएसएल की तो कोई लिमिट नहीं है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड होते हैं, और सीएचएसएल के लिए ट्राइव करना जरूरी है, ट्राइव से क्वेश्चन रहता है, ट्राइव करना शुरू कर दो, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं, पेनामा प्रेजिडेंशियल प्रेजिडेंट है जोस रोज मोलिनो अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ पेनामा, ठीक है। पेनामा जो है साउथ अमेरिका में आता है पेनामा, और इसको पेनामा स्ट्रेट भी कहा जाता है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को स्ट्रेट जोड़ता है, डेट इज कॉल्ड पेनामा स्ट्रेट। और यहाँ पे याद रखिएगा, साउथ अमेरिका को जो ओशियंस जुड़ते हैं वो कौन से, पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन, कौन सा है, पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्योग्राफिकली भी देखना पड़ेगा, अटलांटा अटलांटिक ओशन नीचे है, आर्टिक ओशन ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ओशन, पैसिफिक तो है ही है, साथ में कौन सा है, अटलांटिक ओशन, फोर्थ ओशन बोलते हैं, फोर्थ ओशन जो आजकल है उसको सदर्न मोस्ट ओशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सदर्न मोस्ट ओशन, और पहले सदर्न मोस्ट ओशन को प्रीवियसली बोलते थे आर्टिक ओशन, याद रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 2021 में इसको चेंज किया गया था, आर्कटिक ओशन का नाम अब क्या है, सदर्न ओशन, क्या है, सदर्न ओशन को प्रीवियसली आर्कटिक ओशन, और इसको फोर्थ ओशन कंसीडर किया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पैसिफिक और अटलांटिक ओशन जो जोड़ते हैं वो किसको, यहाँ पे
अमेरिका, और पनामा स्ट्रेट जो है कनेक्ट करते हैं किसको, नॉर्थ अमेरिका। युवराज क्यों डांस हो गया सर? की बात सर, हमेशा आपको आगे ले जाने के लिए करते हैं, ठीक है। अगर एनडीए का सपना देखा तो पूरा तो करना ना, ड्रीम्स पूरे करने हैं, ठीक है। सोते जागते अपने ड्रीम्स पूरे करने, हमने तो नहीं किए, ठीक है, तुम ही कर लो। संजय कुमार मिश्रा, इनको अपॉइंट किया गया है जीएसटी। जीएसटी स्टैंड फॉर गब्बर सिंह टैक्स। राहुल गांधी से गब्बर सिंह टेस्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट कब किया गया था? गुड्स एंड सेल्स टैक्स होता है, सर्विस होता, ठीक है। अब जीएसटी टैक्स जो है इसको कब इंप्लीमेंट किया गया आर एन? चल बता इंप्लीमेंट की डेट देख के बता। 2019 तो नहीं, चलो आप लोगों के लिए डेट 1 जुलाई 2017। हाँ, आप यहाँ पे देखो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जीएसटी को इम्प्लीमेंट जुलाई कितनी है? 1 जुलाई 2017। वाज जम्मू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गेट लास्ट, हाँ जम्मू बिकम द लास्ट, जेएनके बिकम द लास्ट स्टेट, ठीक है, यूटी नहीं, ये याद। 8 जुलाई, आप देखो कितना हुआ जम्मू में 8 जुलाई, 8 जुलाई 2017। अब यहाँ से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट निकल के आने वाले है वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में ये पहला टैक्स है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया राज, ठीक है, ये पहला टैक्स इम्प्लीमेंट किया गया कब? राज, कब? राज भाई, पार्लियामेंट के अंदर, आरयूसी के लिए नाम है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल हॉल में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द? वेरी गुड भाई, नरेंद्र मोदी, ठीक है, मोदी, और वेरी गुड प्रणब मुखर्जी, किसी ने कुछ तो पढ़ा हुआ है, वेरी गुड मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी वाज द 15, 16, 14 प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट। देखो भाई, ही वाज द 13 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको सिंपल सी मैंने ट्रिक बताया हुआ है, 11 आपने यहां से याद करना, 11 एपीजे अब्दुल कलाम, 12 फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट प्रतिभा, ये प्रतिभा तेरे नाम के प्रतिभा राजपूत नहीं, प्रतिभा, ठीक है, याद हो जाएगा आपको पता है, और 13 जो थे प्रणब मुखर्जी, कौन थे? प्रणब मुखर्जी, आपको आइडिया का नाम मुखर्जी, ठीक है, और 14 जो थे, एक मिनट, ठीक है, अब देखो 13 प्रणब मुखर्जी, 14 रामनाथ गोविंद, बोलो गोविंद कोविंद, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट ठीक हुए, एंड 15 बस हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स जो है ना, राइट्स तो हैं बट उनका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है। हमारे देश की प्रेसिडेंट जब से ये द्रौपदी मुर्मू बनी है तब से कोई ना कोई पॉलिटिशियन जो सेंट्रल ऑपोजिशन में है वो इनकी इंसल्ट करता रहता है, इतना राइट, मुझे लगता है कि कोई लॉज में चेंजिंग आने चाहिए अगर कोई भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ बोले, क्योंकि वो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट, उनके जो भी कहीं से भी भारत में कोई भी कहीं से भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकता है, बस उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए बनने की, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, इनकी कोई, अभी ये राम मंदिर गई थी, क्या इनको राम मंदिर जाने का अधिकार नहीं है? तो इसके लिए भी अपोजिशन वाले जो बैठे हैं देश में वो इसके लिए भी बोला कि राम मंदिर की शुद्धिकरण करो,
इनके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि ये हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री माने जाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। अब यहां से इनसे द्रौपदी मुर्मू से नए को बच्चे देखिए क्या क्वेश्चन आते हैं, शी वाज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया, झारखंड, ये फॉर्मर गवर्नर थी, फॉर्मर गवर्नर कौन सी स्टेट की थी, झारखंड, एंड शी बिलोंग्स टू विच कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी, संथल, ठीक है। यहाँ पे यहाँ रखिए आर्यन सर से पहन ले, पीछे वाला आर्यन आप ले, ठीक है, ये मार ध्यान देखो, हो गया झारखंड, ठीक है। शी वाज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड एंड शी बिलोंग्स टू द संथल कम्युनिटी, ठीक है, डन हो गया। अब हमने यहाँ पे जीएसटी लिखा, क्या वो मुर्मू है, जीसी मुर्मू, जीसी मुर्मू वाज द फर्स्ट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ही आल्सो अपॉइंटेड एज कंट्रोलर ऑडिट जनरल, कंट्रोलर ऑडिट जनरल है भारत के। कंट्रोलर ऑडिट जनरल का टेन्यूर 6 ईयर होता है, जबकि प्रेसिडेंट का टेन्यूर 5 ईयर होता है, और प्रेसिडेंट की रिटायरमेंट एज 65 ईयर होती है, इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी 65 ईयर होती है, इलेक्शन कमिश्नर की भी रिटायरमेंट एज 65 ईयर होती है। जो मैं क्वेश्चन बोलूं याद रखिएगा, कल टेस्ट है करंट अफेयर का भी और जो पहले वाले भी, ठीक है। कुछ लोगों को मैं अभी जो नए हैं उनको सिर्फ प्रिविलेजेस मिलेंगे, बाकी लोगों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि नए वाले जो है वो धीरे धीरे सीखेंगे। द्रौपदी मुर्मू बिलोंग्स टू संथल एंड झारखंड, हम जीएसटी करें तो याद रखिएगा, जीएसटी लॉन्च किया था प्रणब मुखर्जी और नरेंद्र मोदी ने, कब, 1 जुलाई 2017। अब 1 जनवरी 2015 को भी एक नीति आयोग बना था, क्या बना था, नीति आयोग, नीति आयोग वाज प्रीवियसली कॉल्ड 5 प्लानिंग कमीशन, क्या बोलते हैं, 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन बोला जाता है प्रीवियसली, इट वाज ब्रॉट बाय बारो फ्रॉम यूएसएसआर एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, जेएल नेहरू, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जेएल नेहरू प्राइम मिनिस्टर था यूएसएसआर से, 5 ईयर प्लान सिस्टम हमने लिया था, और नीति, इसका नाम चेंज होके क्या हो गया, नीति आयोग। नीति आयोग में थिंक टैंकर्स हैं, बॉटम टू अप काम करते हैं, बट प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, अप टू बॉटम होता था, ठीक है, अब जमीन से आसमान तक जाने के रास्ते खुले खुले हैं बिल्कुल, बस अपने थोड़ा मन को चेंज कर लें, फोन को गुड बाय, ओपन योर डोर्स विद ठीक है, हरे गिव पंख टू योर ड्रीम्स एंड ओपन योर आंखा, ठीक है, ओपन योर आंखा, आंखा इज अ डोगरी वर्ड, आंखे, ओपन योर आंखे, ठीक है। संजय कुमार मिश्रा आप सुना जी, एपीलेट ट्रिब्यूनल्स, एपीलेट ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट रिव्यूज होते हैं, रिव्यू ट्रिब्यूनल, ये अलग से हैं, जीएसटी आपने इसके साथ क्वेश्चन किया। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, पहला देश का हाइड्रोजन प्लांट कहां पे लग रहा है, हिमाचल प्रदेश में, कहां पे लग रहा है भाई, अब आप लोगों के लिए, चलो ठीक है, पहला देश का हाइड्रोजन प्लांट कहां पे इंप्लीमेंट लगाया जा रहा है, ठीक है, चलो है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, नहीं भाई नॉर्थ इंडिया में है ये, वो जो है वो एविएशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, अब आपके लिए आंसर, ठीक है, आंसर मैंने दे दिया, अब आप दोगे, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज सेट अप पवेलियन, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट में इंडिया ने अपना पवेलियन ओपन किया है, ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर खोला गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रेन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट पवेलियन एट द समिट, ठीक है, याद रखिएगा, कौन सी समिट, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट में भारत ने अपना पहला पवेलियन खोला है, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है।
ठीक है, और इसको इनॉग्रेटेड किया, इनॉग्रेट किसने किया, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनआर श्री भूपिंदर एस बल्ला, किसने, आपको इसको चार क्वेश्चन याद रखने हैं, भूपिंदर एस बल्ला। हाइड्रोजन समिट कहाँ पे हुई और इसका पवेलियन जो है इंडिया का लार्जेस्ट पवेलियन और पहला पवेलियन बोला, ठीक है, ये डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल करंट अफेयर भी आपका साथ साथ में ही रेडी होना चाहिए, ठीक है। इंडिया स्किल्स, इंडिया स्किल 2024 क्या, ये आज मैंने सुबह ही आपको क्लास में बताया था कि इंडिया में पहले से जब गुरुकुल होते थे, जब राजा रामचंद्र जब स्टूडेंट होंगे या कृष्ण भगवान जब गुरुकुल में गए होंगे, तब 64 कलाएं सिखाई गई है, कितनी कलाएं, भारत में 64 कलाएं सिखाई जाती है, कितनी, और आप इनको स्किल का नाम दिया जाता है, जब इंडेक्स आता तो भारत इंडेक्स में स्किल डेवलपमेंट में सबसे पीछे, दुनिया को 64 कलाएं देने वाला भारत आज स्किल इंडेक्स में सबसे लास्ट में है, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा स्किल कंपटीशन हुआ है, न्यू दिल्ली में हो रहा है और इसमें 900 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है इन 61 स्किल्स में, 64 स्किल कॉम्पिटिशन, और ये स्किल डेवलपमेंट है एंटरप्रेन्योर्स के अंदर मिनिस्ट्री इसने ऑर्गेनाइज किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ आपको छोटा सा क्वेश्चन आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनडीए के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट। सीएचएसएल में हमने लास्ट टाइम देखा जो सीजीएल के एग्जाम हुए वहां पे डिफेंस के क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। अब यहाँ मेजागांव डॉक शिपयार्ड, भारत की बहुत पुरानी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, इसने 250 साल अपने कंप्लीट कर लिए है, ठीक है। इसके साथ इसने अपनी कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं 250 साल पूरे होने पे, और इसने प्रोटोटाइपिंग इंजीनियरली सबमेरीन लॉन्च किया है जिसका नाम है एरोवेना। ये सबमेरीन को ज्यादातर बनाती है, अभी मैं आ रही हूँ उस पर भी, क्या एरोवेना, एरोवेना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, एरोवेना किसने लॉन्च किया कंप्लीट होने पे, मेजागांव डॉक शिपयार्ड। मेजागांव डॉक शिपयार्ड कहाँ पे है, मुंबई में, कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद इसने साथ में सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट भी लॉन्च की है और इसने कमोडेटिंग कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया है ऑन द एनिवर्सरी ऑफ 250 ईयर्स, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे हम क्या नाम है, नाम भूल गया, लास्ट में युवराज की इधर रजनीकांत और आर्यन आंसर देंगे। भारत में 6 मेजागांव 2014 में, भारत 2016 में का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर और एग्जाम, 2016 में भारत सरकार ने एक टेक्नोलॉजी खरीदी फ्रांस से, किससे, फ्रांस से, वो टेक्नोलॉजी थी सबमेरी स्कॉर्पियन टाइप सबमेरी, किसकी, स्कॉर्पियन सबमेरी, और ये टेक्नोलॉजी मेजागांव डॉकयार्ड शिपयार्ड को, शिप बिल्डिंग को दी गई मुंबई में। इसमें ये टेक्नोलॉजी खरीदने का उद्देश्य क्या था, भारत अपने इंजीनियर्सली क्या बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, सबमरीन्स, क्या बनाएगा, सबमरीन, वेरी गुड। इसमें भारत ने 2016 में शुरू किया और 2023 में कंप्लीट हो गया ये मिशन। इसमें भारत ने से 3 के से बनाए और 3 वी से बनाए, पहला जो सबमरीन भारत ने बनाया कंधारी कलवेरी क्रंच एंड कंधारी, बी से बागीर बनाया वेला एंड बागशी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भारत की पूछा जाता है बड़ी बड़ी आवारे क्वेश्चन से एनडीए सीडीएस में, नेम द लास्ट कार्पियन सबमरीन एंड नेम द फर्स्ट बिटवीन, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कितनी बी से है, कितनी के से है, के से कलवेरी क्रंज एंड
कंधारी, बी से वागीर वेला एंड वाक्ष। या देखिएगा ये सारे क्या है, इंडिजिनियसली सब स्कॉर्पियन टाइप सब मैरे विच वॉज बिल्ड बाय मेगा अमेज़ॉन डॉग शिपया। ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में क्यों इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका के 41 डेलीगेट जो लोग हैं ये भारत में आया है, इन्होंने ये जो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस होती है ये ट्रेनिंग देती है, एजुकेटेड इम्पार्ट करती है टेक्नोलॉजी को लेके, और भी बहुत सारी चीजें ये प्रोवाइड करती है। अब श्रीलंका के 41 लोग जो है भारत में आया, वो 41 सीनियर सिविल सर्वेंट है। कौन सी कंट्री के? श्रीलंका के, ठीक है। थर्ड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इसका नाम दिया गया है, फॉर द सिविल सर्वेंट्स ऑफ द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। ये कहां भी कल का क्वेश्चन था, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस मैसूरी में इनको टेक्नोलॉजी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, और 2 वीक्स प्रोग्राम चलने वाला है टू एडुकेट पार्टिसिपेशन ऑन द इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजिकल टेक्निक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टू डेवलप इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर द सोशल इम्प्रूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। कितने डेलीगेशन आए और ये कहाँ पे हुआ, क्या ये प्रोग्राम जो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर द सिविल सर्वेंट, इट वॉज ऑर्गेनाइज इन मैसूरी एट नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस जो है डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। लिख लो 25th दिसंबर इंडिया सेलिब्रेटेड गुड गवर्नेंस डे एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर बिकॉज इंडिया हैज लॉन्च न्यूक्लियर पावर, सेकेंड न्यूक्लियर पावर प्लांट ड्यूरिंग हिज टेन्योर 1919, ठीक है, पोखरण में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर, दोनों क्वेश्चन लिखिए कल आपके टेस्ट में लेंगे, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया एंड विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च एंड हु वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर लॉन्च न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च। नेम द प्राइम मिनिस्टर हु लॉन्च सेकेंड न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लॉन्च न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड ऑपरेशन, नेम द ऑपरेशन। आप देखो क्या है, इसी को ही देख रहे हैं, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चलाती है, ये पब्लिक ग्रेवियंसिस के लिए होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये काम है, ठीक है, ऑटोनॉमस है, स्टैट्यूटरी नहीं है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ, इसका नाम जब स्टार्टिंग में क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च, अब क्या है, गुड गवर्नेंस, याद रखिएगा। अब इसका नाम क्या है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नेशनल सेंटर फॉर, अब ये इसको स्टार्ट कब हुआ, इसको लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूशन में इसकी स्टार्टिंग हुई, ये हायर सिविल सर्विसेज को ट्रेन किया जाता है इसी के अंदर, और इसका रीनेम कब हुआ 2014 में 24 अक्टूबर एस नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस का हेडक्वार्टर मैसूरी में है, सिविल सर्वेंट्स के लिए है, और इसको प्रीवियसली क्या कहा जाता था, NIAR, ठीक है, क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब ये व्यक्ति बड़ा इम्पोर्टेंट है, अमन श्रीवास्तव, ये भारत के पहले, इससे पहले 3 लड़कियां जो हैं जिनको कोटा मिल चुका है ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स के लिए, ठीक है, ये पहले मेल हैं जिनको पेरिस ओलंपिक्स के लिए कोटा मिला है, इनका नाम है अमन श्रीवास्तव, बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू गेट कोटा फॉर पेरिस। रेसलिंग मैंने आपको करा दिया है, रेसलिंग में भारत ने 7 मेडल लाए ओलंपिक्स में, पहला KD यादव लाया है, दूसरा जो लाए थे सुशील कुमार लाए थे, 2 बार इन्होंने लिया, उसके बाद जोगेश्वर दत्त लाया है, उसके बाद पहली जो फीमेल थी रेसलिंग में साक्षी मलिक लाई है, दूसरा बजरंग पुनिया और अमित दहिया लाए हैं,
ये 7 प्लेयर हैं जो ओलंपिक्स में मेडल ला चुके हैं। कल आपके टेस्ट में ये क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। कौन कौन सी गेम्स, कौन कितने मेडल्स लाए हैं, ब्रॉन्ज किसने लाया, सिल्वर किसने लाया, ठीक है। एट द वर्ल्ड रेसलिंग ओलंपिक्स क्वालिफाइंग था इस्तांबुल में ये कॉम्पिटिशन हुआ, यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाई किया है किसके लिए, पेरिस ओलंपिक्स। अब जो नए बच्चे हैं वो देख ले, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स था, कौन सा था, टोक्यो ओलंपिक्स। 2024 पेरिस ओलंपिक्स है, ये आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स। अब क्योंकि ओलंपिक्स की हवा चलने वाली है, बड़ा मजा आता है ओलंपिक्स देखने में, ठीक है। 28 लॉस एंजलिस, 2032 ब्रिसबेन ऑस्ट्रेलिया एंड 2036 केजरीवाल ने बोला था भारत में। केजरीवाल ने बोला था जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा भारत में इलेक्शन करूंगा, और 2036 उसकी बात सच्ची होगी, ठीक है। 2036 योगी जी इलेक्शन कर मजाक है, ठीक है। 2036 भारत में होंगे, ठीक है। तब तक हमारे देश का नाम चेंज हो गया था, इंडिया डेट इज भारत, आर्टिकल फर्स्ट सेट इंडिया डेट इज भारत, होप सो भारत डेट इज इंडिया हो जाए तो अच्छी बात है, बुरी बात होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शायद लास्ट क्वेश्चन है। SBI भारत का पहला बैंक बन चुका है जो ट्रेडिंग क्लियरिंग मेंबर बना IIBX का, किसका, IIBX का। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल काम लिखा है, IIBX शायद लिखा कि नहीं लिखा, हाँ लिखा है, ये IIBX इंटरनेशनल रूलिंग एक्सचेंज है, ठीक है। ये गिफ्ट सिटी गुजरात में है भारत के, और ये भारत का पहला SBI में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक का पहले, बाद में इसको SBI में चेंज किया गया। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में, RBI का भी मुंबई में, पंजाब नेशनल बैंक जो है वो लाला लाजपत राय ने बनाया था, ठीक है, फाउंडर लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के, ठीक है। SBI फर्स्ट बैंक एज ट्रेडिंग क्लियरिंग मेंबर, इट इज इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल बुलिंग एक्सचेंज, बेस्ड एट गिफ्ट सिटी गुजरात, गुजरात को गिफ्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, और इसका साथ किसके, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर गांधीनगर गुजरात। आगे देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का कि ये रिवीजन में है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ। 15,000 ड्रोन दीदी एक स्कीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है, ड्रोन दीदी, जिसमें जो फीमेल्स हैं उनको बेनिफिट दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग करवाई जाएगी, और उनको क्या किया जाएगा, ड्रोन दीदी के लिए तैयार किया जाएगा, जैसे कि एग्रीकल्चर कितने हार्वेस्टिंग हुई है, क्रॉप्स को देखना, ये सारे ड्रोन दीदी के काम रहेंगे। टू पोस्ट रूरल वुमेन एम्पावरमेंट यूनियन मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट SIMA MOU महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड टू कंडक्ट टू पायलट प्रोजेक्ट अंडर द ड्रोन दीदी योजना एट नोएडा एंड हैदराबाद। नोएडा और हैदराबाद में ड्रोन दीदी को इम्प्लीमेंट किया गया, भारत की दो स्टेट्स में ट्रेनिंग दी जाएगी, दिल्ली और हैदराबाद। हैदराबाद जो है ना ऑन द बैंक ऑफ रिवर मूसी, ठीक है, मूसी रहती है डोगरी, मतलब मूसा ही रहता है, ठीक है। वैसे दमाद जो होते हैं ना, अगर वो ससुराल चले वो मूसी रहते हैं, हमारे यहाँ पे मूसे हैं, ठीक है, मूसी याद रखिये, मूसी जो है ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश जो है, मूसी कहाँ पे है, मूसी जो नदी है ये हैदराबाद में। तेलंगाना मैंने आपको कल बताया था क्यों इम्पोर्टेंट है, तेलंगाना जो है यहाँ पे बुद्धिस्ट हुसैन सागर लेक है, हुसैन सागर लेक कहाँ पे है, तेलंगाना में, यहाँ भगवान बुद्धा का एक स्टैचू है उसके अंदर, और वो स्टैचू गिब्राल्टर रॉक से बना है, किसका बना है, रॉक ऑफ गिब्राल्टर, याद रखिएगा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और तेलंगाना PV सिंधु भारत की जो ओलंपिक्स मेडलिस्ट है सिल्वर एज वेल एज ब्रॉन्ज, ये भी तेलंगाना से आती है, ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल आंध्र प्रदेश है, और अमरावती की विशाखापट्टनम है, नहीं है, बोलो भाई,
आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम है और अमरावती की तेलंगाना की अमरावती है। लिख लो तेलंगाना की। अच्छा भाई देख लेना, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल बन गया। लिख लो भाई, आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल विशाखापट्टनम है और तेलंगाना की अमरावती। लिख लो, तेलंगाना की अमरावती है। यदि मेरी क्वेश्चन मिलते हैं हमेशा सब बच्चे कंफ्यूज है। आंध्र प्रदेश की अमरावती, अमरावती लिख लो और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिख लो भाई, जाओ भी आंसर है इसका लिख लो, ठीक है। गूगल महाराज आपके पास है, गूगल महाराज आपको आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया ने डिसाइड किया है, अब अभी रिसेंटली मालदीव्स के मिनिस्टर जो थे इंडिया में आए थे, उन्होंने बोला हम भारत को थोड़ा सा राहत दे दो। भाई वहां मालदीव्स में एंटी इंडियन स्लोगन चल रहे हैं, ठीक है, एंटी इंडियन काम होते हैं, तो इंडिया ने क्या किया, प्रधानमंत्री खुद भी एक ब्रांड है, उनको बैठा दिया लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री बैठे और मालदीव का काम तमाम, ठीक है। अब क्या हुआ मालदीव्स में, अब मालदीवियन परसों एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर को मिलने आए, इन्होंने बोला हमें भाई सपोर्ट करो, हमारी हालत खराब हो गई है, ठीक है। 50 मिलियन ट्रेजरी बिल दिया गया है भारत सरकार ने इनको एज अ एड। इंडिया एक्साइड एक्साइड विक्टर बजरी सपोर्ट टू द मालदीव्स, जो है मालदीव्स हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सारी कंट्रीज भारत की वजह से चलती, ये भारतीय अगर छोड़ दे इन कंट्रीज में, इन कंट्रीज का काम। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी है, थोड़ा सा मुझे नाम भूल गया, क्या नाम है, अभी रिसेंटली ही वो डिप्लोमेट है। इंडिया ने बांग्लादेश में इलेक्शन करवाए, बांग्लादेश की शेख हसीना इंडिया की वजह से जीती, ठीक है। अब वो डिप्लोमेट वहां के बैठ गए, अब बांग्लादेश में भी एंटी इंडिया स्लोगन शुरू हुए जब से वो आया। उसके बाद वो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में गए तो चाइना के साथ, पाकिस्तान और चाइना के बीच गड़बड़ होगी, फिर चाइना और पाकिस्तान तो ऑलरेडी एंटी इंडिया ना, ठीक है। उसके बाद अब वो भारत आ गया भाई ड्यूरिंग थर्ड फेज ऑफ इलेक्शन। अब जब वो भारत आया है तो उन्होंने अब भारत का काम, केजरीवाल आते ही बोलने लगा कि मोदी फिर उसकी एज होगी या जोगी बनेगा, ठीक है। और अब देखो क्या क्या नए रंग आते हैं हमारे देश में, वो दिया ना गांधी है कि मोदी डिक्टेटर है, हाँ, डिक्टेटर को वोट दो अगर बताना है तो। हाँ, भाई देश इज इम्पोर्टेंट, स्टेट प्लेस इम्पोर्टेंट नहीं होती है, देश बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं, हम लोकसभा इलेक्शन में अपने देश के लिए सोचना चाहिए, ना ही अपनी स्टेट, ना ही अपने लोकल बॉडीज के लिए, कि देश को अपने अपने पर्सनल वोटिंग है, ठीक है, राइट टू वोट सबको दिया है, वन वोट वन वैल्यू वन पर्सन, ठीक है। तो देश सर्वपल्ली होना चाहिए, खुद से, धर्म से ऊंचा, अपनी फैमिली से ऊंचा, मातृभूमि जो है वो सर्वपल्ली होनी चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत अपने देश से होनी चाहिए, उसके बाद सारी चीजें सेकेंडरी होती है, ठीक है। भारत माता की जय, जय हिंद।